इसलिए मेरी मिलने की इच्छा थी। मैंने मार खा ली इतने जमकर, मुझे सजा मिली है तो मैं क्यों नहीं साथ दूंगी। नहीं आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे, पूरी चिंता करेंगे। इनका फोन नंबर है, एक फोन नंबर इनका नोट कर लो सर। कोई भी बात हो तो एक राजेंद्र नंबर दे दो जी, तो यहाँ फोन कर देना है ना, इनकी सुरक्षा और बाकी सब चीजों की व्यवस्था भी। भाजपा को वोट करने पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित लाडली बहना समीना बीन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। समीना बीन ने अपने बच्चों के साथ सीएम हाउस पहुंची थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जानकारी प्राप्त हुई कि भाजपा को वोट देने पर लाडली बहना के साथ मारपीट की गई है। उसे परिवार के सदस्यों द्वारा भाजपा को वोट देने पर प्रताड़ित किया गया तो सीएम शिवराज ने समीना बी को मुख्यमंत्री निवास बुलाकर चर्चा की, उनका हाल जाना और उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने को लेकर आश्वस्त किया। लाडली बहना समीना बी ने अपने साथ हुई मारपीट की पूरी घटना की जानकारी शिवराज भैया को दी। क्या कहा समीना बी, आप भी सुनिए। बता दीजिए क्या हुआ था आपके साथ, क्या वजह रही आपके साथ? भाजपा को वोट दिया था इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था कि मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, मैं दूंगी उनके लिए वोट, को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। तो क्या किया आपके साथ? उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट को दिया। फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहे हैं, मैं उनकी फिक्र करूंगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। क्या क्या चर्चा, किस तरह से संवाद हुआ आपका, किस तरह से अच्छा बात? क्या भैया ने क्या बोला, आपके भैया हैं तो किस तरह उन्होंने बोला कि आप हमकी आपकी हम चिंता करेंगे, आपके परिवार वालों की भी चिंता करेंगे, आपके बच्चों की भी रखेंगे, बच्चों के मामाओं। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीना बीन को क्या आश्वासन दिया और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इनका फोन नंबर है, एक फोन नंबर इनका नोट कर लो सर। कोई भी बात हो तो एक राजेंद्र नंबर दे दो जी, तो यहाँ फोन कर देना सर, है ना सर। इनकी सुरक्षा और बाकी सब चीजों की व्यवस्था भी। प्रतिदेव भी क्या करते हैं, और कोई काम धंधा करना चाहेंगे तो अपने स्वरोजगार की योजना से कोई दुकान उकान करोगे क्या? नहीं चलती तो बात करके क्या हो सकता है, वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है बेटी, खाना खा लिया? बच्चों को भी ठीक से खिला देंगे। तुम्हारा घर है ये, भाई का घर मतलब तुम्हारा घर, हमेशा खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ।